तो अगर आप लोग शेयर मार्केट में दोस्तों अगर रुचि रखते हैं या अगर आपका दोस्तों इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा दोस्तों कि आप लोगों ने जो है ग्रो एप्लीकेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, या दोस्तों नाम नहीं भी सुना है तो हो सकता है आप लोगों ने काफी कहीं पर भी एड देखा होगा कि ग्रो एप्लीकेशन से किस तरीके से लोग यहां पर जो है डेली का 1000 रुपए निकाल रहे हैं, लाखों रुपए यहां पर जो है अर्निंग कर रहे हैं। एंड यहां पर दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से इसका दोस्तों कंप्लीट यूज करना है, किस तरीके से दोस्तों शेयर लेना है, शेयर बेचना है, किस तरीके से दोस्तों SIP करना है, म्यूचुअल फंड कैसे करना है, फंड को कैसे ऐड करना है, फंड कैसे विड्रॉल करना है, पूरी दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो एप्लीकेशन में आप लोग जो है किस तरीके से शुरू से लेके आप यहां पर जो अगर आप नए हैं बिगनर हैं तो आप दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन को आप समझ लेना। समझने के बाद दोस्तों यहां पर आप सीख जाओगे, सीखने के बाद दोस्तों आप यहां से जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड यहां पर दोस्तों आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाता हूं और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताता हूं कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और किस तरीके से दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन का कंप्लीट यूज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पर मैंने दोस्तों पिन कर दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। वहां से क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना और यहां पर दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है अपना अकाउंट को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने दोस्तों ऑलरेडी पहले से अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है तो यहां पर हम इसको ओपन करेंगे। चलिए हम यहां से दोस्तों ओपन करते हैं इस तरीके से। यहां पर दोस्तों मुझे अपना फिंगर एंड यहां पर दोस्तों पासवर्ड वगैरह मांग रहा है तो यहां पर हम पासवर्ड डाल के यहां पर जो है लॉग इन कर लिए हैं। अब दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जैसे आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो यहां पर आपके सामने जो है दोस्तों देख सकते हैं स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा एंड यहां पर सबसे फर्स्ट में दोस्तों आपको जो है स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर जो है यहां पर आपको इस स्टॉक में क्लिक करना है तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहां पर आपको दोस्तों दिखाएगा निफ्टी एंड यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है आपको निफ्टी का चार्ट दिखाएगा, यहां पर आपको दिखा रहा है, उसके बाद प्राइस एंड यहां पर दोस्तों बैंक निफ्टी, उसके बाद दोस्तों आपको सेंसेक्स, उसके बाद फिन निफ्टी एंड यहां पर दोस्तों आपको जो है सारा चीज दिखेगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पर जो है फंड को ऐड करना होगा, पैसा ऐड करना होगा। तो पैसा ऐड करने के लिए जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मेरा यहां पर फोटो दिख रहा है, इस फोटो में मैं क्लिक करूंगा और यहां से दोस्तों आपको ऑप्शंस मिलेगा ऐड मनी, आपको ऐड मनी में क्लिक करना होगा इस तरीके से। और यहां से दोस्तों आप जितना भी चाहो उतना पैसा ऐड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहां पर मैं 500 रुपए ऐड करूंगा आप सभी को दिखाने के लिए। उसके लिए यहां पर मैं दोस्तों 500 रुपए मैंने डाल दिया है, मेरे बैंक अकाउंट से कट होगा, इसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों हम अपना जो है बैंक अकाउंट का यहां पर जो है जो भी आप यहां पर पेमेंट करने के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि दोस्तों फोन पे, गूगल पे, UPI एंड दोस्तों जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट करेंगे। चलिए मैं पेमेंट करता हूं। आपका पेमेंट दोस्तों सक्सेसफुल ऐड कर दिया गया है, आपको डन के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहां से दोस्तों आपको जो है सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, किस तरीके का आपको जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है सारा चीज जानता बताता हूं A to Z। अब यहां पर दोस्तों हम लोग का फंड ऐड हो चुका है। अब सबसे पहला दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं यहां पर जो है आपके सामने दोस्तों यहां पर जो है काफी कंपनी का आपको यहां पर शेयर देखने को मिलेगा, जैसे कि दोस्तों देखते हैं यहां पर इंडियन रेलवे एंड यहां पर दोस्तों आपको जो है रिलायंस पावर और यहां पर दोस्तों आपको जो है काफी तरीके का शेयर देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर दोस्तों एक लॉन्ग टाइम का एक ट्रेड होता है एंड यहां पर दोस्तों स्टॉक होता है एक आपको जो है यानी कि दोस्तों आपको जो है एक आप यहां पर जो है जैसे कि अगर मैं यहां पर रिलायंस का अगर मैं या इंडियन रेलवे का अगर मैं कुछ स्टॉक खरीदना चाहता हूं तो इसके लिए हम इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहां से दोस्तों आपको जो भी यहां पर इसका प्राइस चल रहा है इंडियन रेलवे का आपको यहां पर दोस्तों प्राइस को बाय करने के लिए आपको यहां पर जो है बाय में क्लिक करना होगा। जो भी आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो भी आप यहां पर खरीदना चाहते हैं वो आपको यहां पर जो है देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो आपको यहां पर देख सकते हैं ऊपर में आपको स्टॉक का ऑप्शन मिल रहा है तो स्टॉक में आपको यहां पर क्लिक करना है और जिस चीज का भी दोस्तों आपको शेयर लेना है उसको आपको यहां पर सर्च करना है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों यहां पर जो है अभी यहां पर अगर बाय द वे आपको जो है इंट्राडे में भी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर तो मैंने यहां पर आपको सबसे पहले बता दिया हूं यहां पर दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं जो भी यहां पर जो स्टॉक लेना चाहते हैं उसको आप यहां पर बाय कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहां पर जो है अभी मैं यहां पर सेंसेक्स का एक यहां पर जो है मैं ट्रेड लेना चाहता हूं तो उसके लिए दोस्तों यहां पर जो है मैं सेंसेक्स के ऊपर मैं आ चुका हूं, इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अभी यहां पर मैं इंट्राडे बता रहा हूं फिर आपको होल्डिंग वाला भी बताऊंगा कि आप उसको जो कितना लंबे टाइम तक उसको जो है आप होल्ड कर सकते खरीद के। अभी दोस्तों देख सकते हैं सेंसेक्स का मुझे यहां पर जो है अभी बाय करना है मुझे शेयर तो उसके लिए यहां पर मैं ऑप्शन चेन में क्लिक करूंगा, आपको भी ऑप्शन चेन में क्लिक करना होगा। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन ये है दोस्तों कि अभी आपका मार्केट कितना प्राइस में चल रहा है एंड इसका स्टॉक जो है आपको छोटा छोटा स्टॉक कितना में मिलेगा ये आपको सारा चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहां पर जो है मुझे लगता है कि मैं इसको जो है
जैसे कि यहां पर मुझे दोस्तों लग रहा है कि इसको इस स्टॉक को मैं अभी जो है यहां पर मैं बाय करना चाहता हूं, जैसे कि मुझे यहां पर जो है कोई यहां पर ऑप्शन मेरे को खरीदना है जैसे कि इंट्राडे के लिए, तो यहां पर मैं दोस्तों एक 24 रुपए का प्रीमियम है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां से दोस्तों आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा, बाय में आपको क्लिक करना है। यहां से दोस्तों आपका पूछा जा रहा है कि आप कितना लॉट साइज लेना चाहते हैं, कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं, तो क्वांटिटी का मतलब यह है दोस्तों कि आप यहां पर जो है सबसे पहले देख सकते हैं यहां पर मुझे दो लॉट खरीदने के लिए दोस्तों यहां पर जो है यहां पर मेरा प्राइस जो है अप डाउन हो रहा है। मेरे पास दोस्तों अवेलेबल 500 रुपए है, तो यहां पर मैं 500 रुपए में ही बाय कर देता हूं। तो यहां पर मैंने दोस्तों बाय कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर दोस्तों मैंने बाय कर दिया एंड यहां पर दोस्तों पोजिशन आ चुका है। अब ये पोजिशन का मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप लोग होम पेज पर रहते हैं तो यहां पर जो है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आने के बाद दोस्तों अभी आपने कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग लिया है तो आपका वो पोजीशन जो है आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पर जो है 100 रुपये का एंड यहाँ पर दोस्तों कुछ 100 रुपये का मेरा लॉस जा रहा है, ठीक है, ये लॉस जा रहा है। तो आपको दोस्तों इस चीज़ को देखने के लिए आपको जो है कि आपका प्राइस जो है नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा उसको देखने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको पोजीशन डिटेल में आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो आपने यहाँ पर प्रीमियम बाय किया उसका आ चुका है। उसका दोस्तों अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं कि इसका चार्ट अभी जो है क्या अभी परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका चार्ट अभी जो है अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखने के लिए यहां पर मैं फिर से बैक आ चुका हूं, इसी के ऊपर मैं आपको क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको जो लिख करके आ रहा है जो प्राइस इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आपको इस कैंडल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां से दोस्तों आपको पूरा प्रीमियम जो है आपको साफ दिखेगा कि आपका जो अभी मार्केट जो अभी हम लोगों ने यहां पर जो बाय किया है जो प्रीमियम वो दोस्तों नीचे ही डाउन कर रहा है एंड यहां पर दोस्तों देखते हैं आपको यहां पर जो है बाय का एंड यहां पर दोस्तों सेल का आपको ऑप्शंस मिलता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो है बाय एंड सेल का ऑप्शन यहां पर जो मिलता है मैंने आपको दिखा दिया और यहां पर दोस्तों आप जो भी स्टॉक यहां पर लेना चाहते हैं आप यहां पर जो है उसको आप यहां से दोस्तों बाय भी कर सकते हैं एंड यहां पर सेल भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों अभी हमारा लॉस जो है ऑलमोस्ट यहां पर देख सकते हैं 138 रुपए का हो चुका है। अगर ये दोस्तों ग्रीन कैंडल बनता तो मेरा यहां पर जो है मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया था। अगर मैं यहां पर ग्रीन अगर यहां पर दोस्तों ग्रीन कैंडल बनता तो यहां पर मेरा दोस्तों 100-150 रुपए का मेरा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको अभी हम क्या करते हैं, यहां पर मैंने आपको पोजिशन वगैरह दिखा दिया। फिलहाल दोस्तों मुझे जो है इसको कट करना है तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आपको एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि आपको लॉस वगैरह होने लगे तो आप यहां पर दोस्तों एग्जिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से और जो भी आपका क्वांटिटी रहेगा वो क्वांटिटी आपको दिख जाएगा। और यहां से दोस्तों आपको याद रखना है प्राइस आपको जो है कभी भी दोस्तों यहां पर सेलेक्ट करना है तो आपको यहां पर जो है मार्केट प्राइस को सेलेक्ट करना है। अगर आप दोस्तों लिमिट लगा के बेचना चाहते हैं तो लिमिट लगा के भी बेच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी इसका प्राइस 14 रुपए चल रहा है, अगर मैं इसको चाहता हूं कि 18 रुपए में बेचूं तो यहां पर 18 रुपए का यहां पर प्राइस यहां पर मैं डाल दूंगा तो 18 रुपए में दोस्तों डालने के बाद यहां पर मैं सेल में क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी 18 रुपए जाएगा तभी जाकर के ये सेल होगा, नहीं तो दोस्तों ये सेल नहीं होगा। तो यहां पर मैं चलिए इसको पहले एग्जिट करके आपको दिखा देता हूं फटाफट से। चलिए तो यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर जो है इसको एग्जिट कर दिया है। अब आपको यहां पर दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए यहां पर जो है स्टॉक खरीदने के लिए एंड म्यूचुअल फंड करने के लिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर मैं बैक जाता हूं होम पेज पर दोस्तों, मैं जाता हूं अच्छी तरीके से। यहां पर दोस्तों हम लोगों ने होम पेज पर आ चुका है। अगर आप दोस्तों यहां से SIP वगैरह करना चाहते हैं या अगर आप म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप क्लिक करेंगे इस तरीके से एंड यहां पर दोस्तों आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा एंड यहां पर दोस्तों आपके सामने जो है काफी तरीके का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहां पर दोस्तों काफी तरीके का कंपनी आ जाएगा जो कम टाइम में बहुत ही हाई रिटर्न यहां पर दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हाई रिटर्न में हम क्लिक करेंगे इस तरीके से एंड यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, सेविंग करोगे, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि हो सकता है आपके पास 1 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, तो आप यहां से दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों देखते हैं ये कंपनी जो है काफी ज्यादा यहां पर जो है यहां पर जो हाई रिटर्न यहां पर दिया है। तो अगर आपको यहां पर दोस्तों स्टार्ट अगर आप यहां पर SIP वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन कहां पर मिलेगा, म्यूचुअल फंड में क्लिक करना है, हाई रिटर्न में क्लिक करना है और यहां से दोस्तों जो भी आप यहां पर SIP करना चाहते हैं जिस भी कंपनी के साथ उसके उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों स्टार्ट SIP का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। कितना का दोस्तों आप मंथली SIP रखना चाहते हैं वो आप यहां पर डालेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों 500 रुपए का आप यहां पर डालना चाहते हैं तो 500 रुपए भी डाल सकते हैं, मिनिमम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि मैं 100 रुपए का यहां पर स्टार्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए हम यहां पर दोस्तों स्टार्ट SIP में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां से दोस्तों मुझे जो है 100 रुपए अब यहां पर दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट से कट किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों यहां पर देखते हैं जैसे यहां पर मैं सबमिट में क्लिक करूंगा तो यहां पर दोस्तों आपको जो है इस तरीके का फिर से ये पेज लोडिंग लेगा और आपको दोस्तों ऑटोमेटिक ये पेज पेमेंट पेज में उतार देगा। जैसे कि यहां पर मैं दोस्तों पेमेंट 100 रुपए यहां पर मैं पेमेंट कर देता हूं
यहाँ पर जो है मैं इस SIP को चलाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये कट कर दिया है। ये महीने का मेरा 100 रुपये कट होगा और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेज लोडिंग लेके आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना चाहो दोस्तों यहाँ पर जो है मंथली आप यहाँ पर ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हैं। आपके दोस्तों मंथली के हिसाब से आपका पैसा जो है ऑटोमेटिक दोस्तों कट हो जाएगा जितना तारीख को आप कट करवाना चाहते हैं आप अपने सेविंग के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आप जो है जो भी आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जो भी आप चूज करके यहाँ पर पेमेंट कट करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों NPSCH ठीक है दोस्तों आप इसको जो है इनेबल करेंगे जिससे आपका मंथली पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटता जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग SIP कर सकते हैं। अब रहा बात दोस्तों SIP हम लोगों ने कर दिया तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, जिसके लिए आपको स्टॉक में क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके का। यहां पर आपको SIP का ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलेगा जो अभी आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में क्लिक करना होगा। तो यहां पर दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्लिक करोगे तो यहां पर आपको हो सकता है डैशबोर्ड में आपको शो करा दे। एंड यहां पर दोस्तों देखते अभी हमारा जो है 100 रुपये इन प्रोग्रेस है, उसके लिए SIP में क्लिक करेंगे तो जो भी आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों आपको यहां से देखने को मिलेगा। एंड यहां पर दोस्तों आप लोग चाहो तो आप अपना अमाउंट को कम बेसी भी कर सकते हैं। तो SIP इस तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका हो चुका है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग आपको कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप यहां पर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग जो है थोड़ा सा रिस्की है तो आप सोच समझ के यहां पर इंट्राडे में इन्वेस्ट वगैरह करना, मेरे हिसाब से दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जो है अच्छा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर रह गया बात दोस्तों आप यहां पर जो है चार्ट वगैरह देखने के लिए आपको यहां पर जो है इस पर क्लिक करना है, जिसका भी आप चार्ट देखना चाहते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी का अगर आप देखना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में क्लिक करेंगे और यहां पर दोस्तों चार्ट के ऑप्शन में इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहां से दोस्तों आपको दिख जाएगा कि अभी आपका चार्ट अभी आपका जो कैंडल है वो किस तरीके का दोस्तों बन रहा है, बेरिश बन रहा है या बुलिश बन रहा है, ये आपके सामने इस तरीके का देखने को आपको मिलेगा। तो और यहां से दोस्तों जिसका भी आपको ऑप्शन चयन देखना है, जो भी आपको हो सकता है बैंक निफ्टी का देखना है निफ्टी का देखना है तो आपको उसके उसके ऊपर में क्लिक करना है और यहां से दोस्तों आपको ऑप्शन चयन दिखेगा। इसका दोस्तों कम प्राइस वाला जो आपको यहां पर जो है शेयर होगा वो आपको इधर देखने को मिलेगा, उसको आप वहीं से डायरेक्ट क्लिक करके बाय में क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है बाय एंड सेल कर सकते हैं, SIP इस तरीके से कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया है। एंड यहां से दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बाकी आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो अपने रिस्क के ऊपर में करना, सोच समझ के करना, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपके सामने दोस्तों यहां पर जो है मैंने अभी किया था दोस्तों ट्रेड एंड यहां पर मुझे दोस्तों लमसम यहां पर 200 रुपये का लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो भी आपका इन्वेस्टर रहेगा वो आपको इधर शो करेगा, जो भी आप SIP वगैरह करोगे इधर शो करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ग्रो एप्लीकेशन का कंप्लीट यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहां पर दोस्तों दो तरीका भी बताया है, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड SIP। अगर दोस्तों आप लोग कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए।